परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय सुलभ गुरुदेव, जब अयोध्या जी के दर्शन के लिए सन 2000 में यूपी गए, उस वक्त वहां पर उन्हें पंडित गदाधर द्विवेदी जी मिले, जिन्होंने गुरुदेव के रूप और गुणों का दर्शन कर वहीं बैठे बैठे एक दिव्य स्तव लिखा। गुरुदेव ने उस स्तव को सुनकर, उनकी विद्वता को देखकर उनसे कहा कि आप हमारे साथ चले, परंतु दैववशत पंडित श्री गदाधर जी उनके साथ नहीं जा पाए। और आज जब हम 20 वर्षों बाद पुनः उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो पंडित जी के गांव सहजलपुर में गए और पंडित जी ने हमें गुरुदेव की वह स्मृति सुनाई और आह्लादित होकर के कहा, आहा, मेरा अंतःकरण उनके लिए आज भी, उनके रूप गुणों को देख करके आज भी वैसे ही हिलोरी ले रहा है। आपको देखकर मुझे लगता है कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं। तो उन्होंने ये स्तोत्र, बहुत ही दिव्य स्तोत्र लिखा है। आइए इस स्तोत्र को हम लोग सभी मिलकर करें। भक्ति वल्लभ तीर्थ रूप मनूप जन मन रंजनम शुचिशील सरल स्वभाव भगवत भक्त जन अघ गंजनम पद कमल नख मणि ज्योति प्रसरति सदा मम मन मान से पश्यामि कृपा विभूतयस्तव व्यक्त रूप विराज से भक्ति बल्लभ तीर्थ करुणा शील भक्ति प्रदायकम् हवसिंधु तारण तरण चरण नमामि ते सुखदायकम् मम शिरसि ते पद कमल छाया अहर्निशीयाभिराजते मम हृदये कंज निकुंज मध्ये परम ज्योति विराजते भक्ति बल्लभ तीर्थ स्वामी नमामि तव पद पंकजम् श्री कृष्ण नामाधारतः जीवन भवेत अनाम दासानुदास विनीत वदति त्वयास्मि मामुद्धारय हे नाथ कलीमलतय थाविधि माम निवारय तारय बल्लभ तीर्थ राधा बल्लभी दर्शन श्रिया वृंदावनस्थ स्वरूप रूप मनूप गोवर्धन प्रिय हे नाथ करुणा कर विलोकय देहि मे मन भावुनि दासानुदासो परि कृपा
निज भक्ति रवि चल पावन बल्लभ बल्लभी मम मनसि भक्ति प्रसारय श्री राधिका हरि चरणा शरणा सक्त माम निस्तारय पद पंचका तव पदयुपासक सं धयो गायन्ति ये श्रीणमन्ति मुदा गृणन्ति रसिक श्रीगुरु कृपां लभन्ति ये श्रीणमन्ति मुदा गृणन्ति रसिक श्रीगुरु कृपां लभन्ति ये परमय किंचन दास गदाधर सहजलपुर का वासी एक बार श्री गुरु जी का दर्शन कर हुआ उपासी बीस बरस के बाद कृपा जागी गुरुदेव पठाए श्री मधुसूदन दास संत संग मेरे घर पर आए पांच बरस से कलम बंद थी पांच बरस से कलम बंद थी सोई स्मृति है जागी अज्ञाना अंध मिटा सहसा बन गया परम अनुरागी प्रछन्न रूप श्री गुरु जी ने हृदयस्थ कृपा दर्शाया कोरे कागज पर स्वयं प्रभु ने बैठा कर लिखवाया